नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा सांसद कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर आज छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो इसका खास ध्यान रखा गया। भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हेलीपैड से उनके निवास पर ले जाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। अपने 4 दिवसीय दौरे पर कमलनाथ जिले की अलग अलग विकास खंडों में लगभग 17 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। नगर निगम कार्यालय में सोमवार को निगम आयुक्त इक्षित गढ़पाले ने सभी वार्डों के सफाई दरोगाओं की बैठक ली। इस दौरान आयुक्त गढ़पाले, सहायक आयुक्त मोनिका पारधी, रोशन सिंह बाथम, स्वास्थ्य विभाग के सभापति अभिलाष गौर, विभाग अधिकारी अनिल मालवी मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 9 से 12 जनवरी तक जन जागरण मंच विशाल ओपन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इस सिलसिले में आज मंच के कार्यकर्ताओं ने दशहरा मैदान में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंच के संयोजक और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, राजू नरोटे, इंद्रजीत सिंह बैस, नायडू सर, ठाकुर सर, पटवाजी, विजय गुप्ता, रविंद्र पोफली, निरपत सिंह टेकरे, जय गुप्ता, संदीप विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जन जागरण मंच के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी स्वामी विवेकानंद जी जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाली अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता पूर्ण रूप से और उसकी तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है। इस वर्ष जिला स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 45 टीमों का भाग लेने का अनुमान है और राष्ट्रव्यापी टीमों में लगभग 20 टीमों का और भाग लेने का अनुमान है। जो स्वीकृतियाँ हमारे पास आई है उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन प्रांतों से और टीमें हमारे बीच में उपस्थित होने वाली है। इस बार कबड्डी का जो महाकुंभ है वो अपने आप में पूरे शवाब पे होगा और सभी कबड्डी प्रेमी बंधु उस कबड्डी का पूर्ण रूप से आनंद ले सकेंगे। जन जागरण मंच सभी जिले सहित नगर के बंधुओं को आमंत्रित करता है कि वे इस प्रतियोगिता में आवश्यक रूप से सम्मिलित होकर खेल के इस महाकुंभ में अपना सहयोग प्रदान। स्थानीय कोर्ट परिसर में वकीलों ने आज अपना काम बंद रखकर प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने बताया कि वकीलों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी लेकिन अभी तक इस ओर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके विरोध में न्यायालय के सभी वकीलों ने काम बंद रखकर प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया। मध्य प्रदेश में और हाई कोर्ट में और निम्न न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या बहुत अधिक हो गई है और अधिक होने के कारण न्यायाधीशों की संख्या कम है, तो न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों के पदस्थापना किए जाने के लिए भी हम अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश सरकार को देना तय किया है। इस कारण भी आज प्रतिवाद दिवस हम लोग मना रहे हैं। जिले के आईटीआई के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आईटीआई छात्रों की मांगे हैं कि तकनीकी शिक्षा परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा बंद की जाए, क्योंकि ये पूरे भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू है, जिसके कारण यहाँ के आईटीआई छात्र पूरे देश के छात्रों से पिछड़ रहे हैं। इसी तरह के अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पूरे देश में पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम कर रही संस्था कदम हर रविवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में पौधा लगाकर पौधरोपण का संदेश देती है। इसी क्रम में इस रविवार को होमगार्ड परिसर खजरी रोड में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर कदम संस्था के सभी सदस्य और होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए EMS TV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।